हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी का हम स्टार्ट करते हैं। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, तो पहले हम इसके डेफिनेशंस को देख लेते हैं। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट, इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन फ्लो ऑफ प्रोग्राम एट द रन टाइम। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट के दौरान उस प्रोग्राम में हम कंट्रोल ला सकते हैं। किसके थ्रू? फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू। तो जैसे हम आगे पढ़ते चलेंगे आपको ये चीज़ समझ में आते जाएगा कि कैसे कैसे अपने प्रोग्राम के बीच में हम लोग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान कैसे हम उसमें कंट्रोल लाते हैं। फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट आर टू टाइप्स। ये कितने प्रकार का होता है? फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट दो प्रकार का होता है। पहला डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ डिसीजन मेकिंग के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है, चलिए देखते हैं डेफिनेशन उसके। देखिए, इसके लेक्चर में पहले हम डेफिनेशंस, सिंटेक्स, उसके बाद हम प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें डेफिनेशन का होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको डेफिनेशन पढ़कर आधा समझ में आता है, और जब आप सिंटेक्स पढ़ लेंगे, देख लेंगे, तो उससे थोड़ा अधिक समझ में आएगा। जब प्रोग्राम करेंगे तो आपको पूरा डेफिनेशन, सिंटेक्स सारा क्लियर हो जाएगा। तो बस आपको डेफिनेशन के साथ अभी चिपके रहना है। तो चलिए, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट आर यूज टू एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द बुलियन कंडीशन। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? जब एक या एक से अधिक स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट करना है। कब? बुलियन कंडीशन के हिसाब से, समझ गए? जब बुलियन कंडीशन के मदद से जब हम एक या एक से अधिक लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं। स्टेटमेंट मतलब क्या? एक लाइन होगा, वन लाइन, टू लाइन, उसके लाइन को मतलब एग्जीक्यूट करते हैं इसके कंडीशन पे, बुलियन कंडीशन के हिसाब से, तब हम लोग उसको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोलते हैं। अब चलिए, बुलियन कंडीशन आप लोग ही सोच रहे होंगे बुलियन कंडीशन क्या होता होगा। तो देखिए, कितने लोग बुलियन कंडीशन बोलते हैं, कितने लोग बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं, तो आप दोनों में से कोई एक वर्ड यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है? कंपैरिजन स्टेटमेंट रिटन यूजिंग द कंपैरिजन ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर। तो जैसा कि मैंने आपको बोला बुलियन कंडीशन के हिसाब से, तो बुलियन कंडीशन में हम लोग या तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं या तो कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, समझ गए? क्या बुलियन कंडीशन लिखने के लिए हम लोग या तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो अब ये आपको पता होना चाहिए कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या क्या होता है, ये आप जानते होंगे, फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए ये चीज़। एंड और नॉट, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। पहला इफ, दूसरा इफ एल्स, तीसरा इफ एल्स इफ, चौथा स्विच केस। तो चलिए हम इसको एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने ये वीडियो बना रखा है आप सभी के लिए, आप तो जानते हैं कि शायद इस तरह से कोई वीडियो अभी तक अवेलेबल होगा नहीं लेक्चर पर। यदि आप मेरे को थोड़ा सा मोटिवेट और करना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी करना ना भूलिएगा। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। इफ स्टेटमेंट, इट्स ए टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट व्हेन वन और मोर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट इफ द बुलियन कंडीशन रिजल्ट विल ट्रू। देखिए, सिंपल मैं इसको समझाता हूँ। इसमें क्या होगा, ये इसमें पहला लाइन तो आप समझ में आ रहा होगा कि ले बोल रहा है, यह डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट का प्रकार है। क्या होता है जब एक या एक से अधिक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है? क्या होता है? एक या एक से अधिक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। कब? जब हमारा बुलियन रिटर्न करता है, जब बुलियन कंडीशन रिटर्न ट्रू करता है तब। अब चलिए इसको सिंटेक्स देखते हैं कि कब रिटर्न ट्रू करता होगा, कैसे करता है। तो पहला है इफ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है, इफ के अंदर बुलियन कंडीशन लिखा गया। आपको बुलियन कंडीशन का ऑलरेडी बता चुका हूँ, बुलियन कंडीशन कब यूज करते हैं, सॉरी, बुलियन कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन का यूज करते हैं। तो क्या होगा, यदि ये कंडीशन मैच कर गया तो उसके नीचे वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जैसा कि मैंने सेम चीज़ वही लिख रखा है, अदरवाइज एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये आपका सिंटेक्स हो गया एफ एल्स का, आप इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। तो चलिए, नेक्स्ट है हमारा एफ एल्स एफ। तो इट इज अ टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट विच वी यूज वेन एवर द मल्टीपल बुलियन कंडीशन टू बी एग्जीक्यूट डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टेटमेंट। सेम उसी की जैसा है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, जब आप एक से अधिक बुलियन कंडीशन को मैच कराना चाहते हैं, क्या एक से अधिक बुलियन कंडीशन को मैच कराना चाहते हैं,
अलग अलग तरीके से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिंटेक्स देख रहे हैं, यदि आप पहला कंडीशन मैच करना था, मान लीजिए आपके पास बहुत सारे कंडीशन हो किसी चीज़ को कार्य करने को, नहीं होता है, गेम खेलते हैं गेम में कंडीशन रखते हैं, उसी तरह आपके पास बहुत सारे कंडीशन हैं, तो पहला कंडीशन यदि मैच कर जाएगा तो ये सेट्स ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यदि ये एग्जीक्यूट नहीं करता है, मतलब आपके पास बहुत सारे कंडीशंस रखे गए, दूसरा अदरवाइज वो नहीं मैच किया, तो यदि ये मैच किया तो ये एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा, यदि बुलियन कंडीशन ट्रू हो जाता है तो। इसी तरह करते करते एन नंबर ऑफ बुलियन स्टेटमेंट भी इसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसमें इफ एल्स इफ और एफ एल्स का यूज़ कर रहे हैं। और लास्ट में मान लीजिए कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। लास्ट है हमारा चॉइस, सॉरी स्विच केस। तो स्विच केस में क्या होता है, बेस्ड ऑन द चॉइस, मान लीजिए आपका चॉइस वैल्यू कुछ है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें हम लोग केसेस यूज़ करते हैं कि इसमें हमें तीन चीज़ का ध्यान रखना है। पहला चॉइस कि हमारा किस बेसिस पर हम स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो पहला केस होगा उस केस के अंदर, मान लीजिए यहाँ वैल्यूज होगा केस केस फर्स्ट के अंदर, ये ए बी कुछ भी हो सकता है आपके चॉइस के हिसाब से। मान लीजिए आपको ए पसंद है, वैन चॉइस में क्या होगा, जब ए आएगा तो ए आएगा तो क्या केस ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसमें याद रखिएगा, जब भी आपका कोई केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद आपको ब्रेक वर्ड हमेशा यूज़ करना है। क्या करना है, ब्रेक वर्ड हमेशा यूज़ करना है। तो इसी तरह ये केस चेक करते जाएगा, पहला केस एग्जीक्यूट नहीं होगा तो दूसरे पे जाएगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरे पे जाएगा, इसी तरह करते करते एन चेक होगा और लास्ट में क्या होगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ, ये सिंटेक्स है, बेस्ड ऑन द चॉइस एग्जीक्यूट होता है स्विच केस। प्रीवियस पढ़ा था हमने इफ एल्स इफ के बारे में, आपको बताया था एन नंबर ऑफ कंडीशन से एग्जीक्यूट होता है इसमें। सिंटेक्स तो आप देख ही रहे हैं, फिर से आप समझ लीजिएगा। दूसरा इफ एल्स के बारे में बताया ही था, यदि कोई कंडीशन मैच कर जाता है तो एग्जीक्यूट करेगा एन नंबर स्टेटमेंट, अदरवाइज एल्स पार्ट एग्जीक्यूट कर जाता है। ये रहा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। हैव अ गुड डे।